अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरमद हसन है। आप लोग सरमद हसन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली का, आए हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा प्रेज किया, बड़ी बेस्ट विशेज दी और उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, पाकिस्तान के प्लेयर बड़े शानदार हैं और स्पेशली उन्होंने मोहम्मद नवाज़ के रोल को बड़ा इंपॉर्टेंट कहा है। और उन्होंने कहा कि कल की जो मोहम्मद नवाज़ की परसों की जो इनिंग थी 20 बॉलर पर 42 रन, उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया है पाकिस्तान की जीत के किरदार में। और इसके अलावा उन्होंने बाबर आजम को बड़ा ट्रोल किया, बाबर आजम को उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि बाबर आजम बड़े शानदार खिलाड़ी हैं, 2019 में वर्ल्ड कप में ये मुझसे पहली बार मिले थे और इन्होंने बड़ी शानदार अचीवमेंट हासिल की अपने कैरियर में। इसके अलावा उन्होंने अपने हवाले से भी बात किया, वो कहते हैं कि जब मेरी फॉर्म ख़राब चल रही थी, जब मुझे टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी से हटाया गया, तो मुझे सिवाय MS धोनी के अलावा किसी ने मैसेज नहीं किया। और अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि रोहित शर्मा भी तो उस वक्त टीम का पार्ट है, क्या उन्होंने भी मैसेज नहीं किया? और अब रोहित शर्मा की कप्तानी बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, विराट कोहली पहले मैच में 35, दूसरे में 59, तीसरे में 60, बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस जारी हैं। तो ये विराट कोहली का बयान आया है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो मोहम्मद रिजवान के हवाले से आई है, जिनके हवाले से बहुत से लोग मुझसे पर्सनली ये सवाल कर रहे हैं कि उनकी इंजरी के हवाले से अपडेट क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा जब वो कीपिंग कर रहे थे तो मोहम्मद हसनैन का एक बाउंसर जो है वो रोक नहीं सके थे और वो बॉल जो है वो उनसे मिस हो गई थी। तो अब उनके हवाले से अपडेट यही है कि उनको राइट लेग में स्ट्रेन इंजरी हो गई थी, राइट नी की स्ट्रेन इंजरी हो गई थी। उनका MRI और उनका स्कैन करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट अभी तक तो PCB ने रिलीज नहीं की, लेकिन उनके हवाले से अपडेट अच्छी अपडेट ये आ रही है कि वो फिट हैं और अफगानिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान का अगला मैच है तकरीबन कह लें कि कल, जी हाँ कल, और उसके वजह से वो अपडेट रेडी हैं, रेडी टू प्ले हैं और वो पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल हैं और पाकिस्तान टीम उनको प्लेइंग 11 में चांस देगी। इसके बाद जो शानदार अपडेट आई है शाहनवाज अली दहानी के हवाले से आई है, जिनको स्ट्रेंज इंजरी हो गई थी राइट लेग की, राइट नी की, वो भी फिट हो गए हैं और उनके वजह से भी ऑलमोस्ट यही खबर है कि वो भी कल के मैच में रेडी टू प्ले हैं और आई होप सो कि पाकिस्तान टीम उनको प्लेइंग 11 में चांस देगी। इसके बाद जो आखिरी और बड़ी शानदार अपडेट आ रही है वो ये है कि शाहीन शाह पीजी जो कि एशिया कप से बाहर हो गए थे, उनके हवाले से बड़ी शानदार अपडेट है कि उन्होंने अपने हवाले से अपडेट दिया है कि मैं फिट होने जा रहा हूँ, मैं जल्द ही वेट उठाना शुरू कर दूंगा और जल्दी रनिंग स्टार्ट कर दूंगा। अगले 2 हफ्तों में वो रनिंग भी स्टार्ट कर देंगे, प्रॉपर बॉलिंग स्टार्ट कर देंगे और वो भी फिट होने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ट्राई नेशन सीरीज में वो पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल रहेंगे। मेरी PCB से रिक्वेस्ट ये है कि अब उनको इंसानों की तरह इस्तेमाल करें, गधों की तरह इस्तेमाल ना करें, जिस तरह उन्होंने PCB ने उनको इस्तेमाल किया, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने स्पेशली कप्तान बाबर आजम ने, इतना लोड उन पर ना डालें, उनको देख के यूज़ करें ताकि उनकी आने वाले जो मैचेज हैं स्पेशली T20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप 2023 उसमें वो अवेलेबल रहें। आज इंडिया और श्रीलंका का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, आज मेरी तो यही दुआ है कि श्रीलंकन टीम जीते ताकि अगर पाकिस्तान टीम फाइनल में जाए और श्रीलंका और पाकिस्तान का फाइनल हो तो पाकिस्तान आराम से श्रीलंका को हरा दे। और आज श्रीलंका को टॉस जीतना होगा हर सूरत, और मेरी दुआ भी है कि आज श्रीलंका टॉस जीत कर पहले बंदूका राजा पक्ष जो दर्शन शर्मा का कप्तान है वो पहले बॉलिंग करे और इंडिया को रिस्ट्रिक करें 150-170 के राउंड अबाउट, ताकि श्रीलंकन टीम आराम से चेज करे। आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबाएं। इंशाल्लाह आज रात को इंडिया श्रीलंका के मैच के बाद मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।